Hello guys, welcome to the Java programming tutorial. So today we will see 100% practical Java programming. So here I have tested my IDE with the default OpenJDK installation. इसमें मैंने एक डिफाइंड मैसेज दिया है और उसका आउटपुट आ रहा है या नहीं वो चेक किया है। सो हेलो वर्ल्ड, तो कौन सा भी प्रोग्रामिंग में हम हेलो वर्ल्ड टेस्ट करते हैं। सो यहाँ पे मैंने एक मैसेज कस्टमाइज किया है और उसको रन करता हूँ, देखते हैं आउटपुट क्या आता है। यहाँ पे मेरा आउटपुट आ रहा है लर्न जावा। तो यहाँ पे मैंने मेन क्लास बनाया है और उसमें एक पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन जो जावा में डिफ़ॉल्ट मेथड होती है वो यूज़ किया है और उसमें एक स्ट्रिंग का एरे दिया है जो डिफ़ॉल्ट मेन का सिग्नेचर है और उसमें एसओपी में लर्न जावा का एक मैसेज प्रिंट किया है। तो चलो शुरू करते हैं जावा प्रोग्रामिंग। तो कोई भी हम जावा प्रोग्रामिंग या कौन सी भी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं तो उसमें जो प्रोग्राम है वो रीडेबल बनने के लिए हम कमेंट्स ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया /print user defined message। यहाँ पे मैंने ये प्रोग्राम अपडेट कर दिया और फिर से रन कर दिया। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? तो सेम ही आउटपुट आया लर्न जावा। सो ये जो कमेंट होता है वो कंपाइलर इग्नोर करता है। ओके, देन डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल। तो डेटा टाइप्स कौन कौन से टाइप्स के होते हैं? यहाँ पे मैं एक डिक्लेयर करता हूँ एक वेरिएबल स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू abc और मुझे ये प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ पे डबल कोट में जो यूजर डिफाइंड मैसेज है वो हटा के लिखूंगा यहाँ पे नेम। लेट से आउटपुट क्या आता है? मैं इसको रन करूंगा। शिफ्ट F10 भी आप दबा सकते हैं। तो यहाँ पे आउटपुट आ गया abc। सपोज मैंने यहाँ पे इंट एक रोल नंबर ले लिया और यहाँ पे मैंने लिख लिया कि रोल नंबर, उसके साथ मुझे नेम भी प्रिंट करना है। तो मैं कॉनकैट के लिए प्लस ऑपरेटर यूज करूंगा और बीच में थोड़ा सा स्पेस दे दूंगा ताकि समझ सके ये रोल नंबर है और ये नेम है। फिर से कॉनकैट ऑपरेटर और अभी रन करूंगा। शिफ्ट एंड F10। यहाँ पे आउटपुट आ गया रोल नंबर 1 एंड abc। होप आपको समझ आया होगा कि हम डेटा टाइप कैसे जावा में यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम सीखेंगे कि लूप्स कैसे जावा में यूज किए जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लिख लेता हूँ इफ एल्स का। एक छोटा सा प्रोग्राम है। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया है x, उसमें 20 स्टोर किया है और y है उसमें 18 है। तो यहाँ पे इफ में हम कंपेयर करेंगे x एंड y। तो जो ग्रेटर है उसको हम कंपेयर करेंगे। तो इफ x is greater than y then में ये मैसेज आएगा एक्स इज ग्रेटर देन वाई। देखते हैं कि आउटपुट आता है शिफ्ट F10। एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो आपको लगता है कि इसकी जगह इसकी वैल्यूज भी आना चाहिए, तो यहाँ से हम डबल कोट से हटाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक्स देन कॉन्कैट ऑपरेटर प्लस, और यहाँ पे वाई की जगह हम उसको बाहर निकालेंगे। तो इससे ये एज इट इज मैसेज प्रिंट ना होके इसकी वैल्यूज प्रिंट होगी। देखते हैं, कंपाइल एंड रन। यस 20 इज ग्रेटर देन 18, यहाँ पे मैंने स्पेस नहीं दिया है उसको, 18 डायरेक्ट लिया गया। अभी यहाँ पे हम एल्स स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, एल्स सिस्टम डॉट, यहाँ पे इंटेलिजेंस भी आता है, हम एक लेटर प्रिंट किए तो उसके साथ सजेशन भी आते हैं। यहाँ पे मैं ये मैसेज चेंज करूँगा, ग्रेटर लेस देन। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने वैल्यू दिया 10। देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ग्रेट, तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स थे एक्स एंड वाई, तो यहाँ पे इसको कंपेयर कर दिया, तो यहाँ पे एक्स स्मॉलर है वाई से, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया। कंट्रोल गया एल को और इसने ये मैसेज प्रिंट कर दिया। ग्रेट, तो चलो नेक्स्ट हम देखते हैं शॉर्ट हैंड इफ एल्स हम कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक दूसरा प्रोग्राम है, यहाँ पे हमने एक टाइम नेम का इंटीजर ले लिया, उसमें टाइम है 20, तो यहाँ पे हम टाइम कंपेयर करेंगे, और जब टाइम ये 80 से छोटा होगा तो प्रिंट करेगा गुड डे, और 18 से ज़्यादा होगा तो प्रिंट करेगा गुड इवनिंग। देखते हैं क्या आउटपुट आता है। गुड इवनिंग, देखते हैं 18 से कम, फॉर एग्जांपल 10, अभी क्या आउटपुट आएगा चैट में बता सकते हो आप। गुड डे, तो समझ में आ गया। तो यहाँ पे टाइम को हम चेक करते हैं, 18 से जब छोटा है तो गुड डे आएगा, 18 से ज़्यादा होगा तो गुड इवनिंग आएगा। अभी देखते हैं 18 होगा तो क्या आएगा। आई थिंक गुड डे आना चाहिए, गुड इवनिंग आया क्यों? हाँ, यहाँ पे कंडीशन इज लेस देन है, इफ लेस देन इक्वल टू होगा तो गुड डे आएगा। देखते हैं, यस, तो आपको शॉर्ट हैंड इफ एल्स भी समझ में आया होगा। हम इसका एक बैकअप बना के रखते हैं ताकि आपको शेयर कर सके। नेक्स्ट हम देखते हैं स्विच स्टेटमेंट्स। स्विच कैसे हम लिख सकते हैं जावा में। तो एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया है डे, उसमें 4 स्टोर किया है और स्विच केस में जो डे का इनपुट होगा उससे उस केस में जाएगा। यहाँ पे 4 है तो वो जाएगा 4th केस में और प्रिंट करेगा थर्सडे और ब्रेक होगा। उसके बाद आगे के केसेस इग्नोर होंगे। देखते हैं उसमें आउटपुट क्या आता है। उसका डे आता है शिफ्ट एंड F10 कंपाइल थर्सडे। अभी मैंने यहाँ पे इंटीजर दे दिया 0th। देखते हैं अभी क्या आएगा आउटपुट। कुछ भी आउटपुट नहीं आया क्योंकि उसको मैचिंग केस नहीं मिला। फॉर एग्जांपल है ना, मैंने यहाँ पे एक डाल दिया डिफ़ॉल्ट केस और यहाँ पे मैंने डाल दिया इनवैलिड इनपुट और फिर से रन कर दिया। तो यहाँ पे है इनवैलिड इनपुट। अभी मुझे मंडे चाहिए तो डे होगा 1 मंडे और संडे डे विल बी द 7th। ग्रेट। देन नेक्स्ट while loop। सिंपल while loop यहाँ पे एक इंटीजर है आई, उसको इनिशियलाइज किया है 0 पे। देन while loop में एक कंडीशन दी है कि आई जब तक 5 से नीचे है तब तक i की वैल्यू प्रिंट करें और हर इटरेशन में i की वैल्यू 1 से बढ़े। तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। आप भी गेस कर सकते हो। आई थिंक इसका आउटपुट आना चाहिए 0 to 4। या आ गया। अभी 0 तो मुझे 9 चाहिए तो मैं यहाँ पे वो लूप को एक्सटेंड कर देता हूँ और फिर से कंपाइल और रन करता हूँ। तो यहाँ पे आउटपुट आ गया 0 to 9। ग्रेट। ये हो गया व्हाइल। उसमें कंडीशन होता है वो सेटिस्फाई होने के बाद ये लूप एग्जीक्यूट होगा और इसमें लास्ट स्टेटमेंट होता है इंक्रीमेंट के लिए नेक्स्ट में क्या कंडीशन चेक करें। नेक्स्ट फॉर लूप। यहाँ पे एक सिंपल फॉर लूप हम लेते हैं। अभी एक फॉर लूप लिया जो 0 से 10 तक चलेगा और इंक्रीमेंट होगा 2 से और उसमें आई की वैल्यू प्रिंट होगी। इसमें आना चाहिए, अब बता सकते हो, 0 2 4 6 8 10 कंपाइल एंड रन। यस 0 भी आया है 0 to 10 अल्टरनेट। अभी मुझे चाहिए 1 to 9। देन क्या करूँगा मैं, तो 1 से स्टार्ट करूँगा। अभी देखते हैं। Hmm. 1 3 5 7 9 easy. Got it. Next. अभी हम दो फॉर लूप यूज भी कर सकते हैं, तो उसके लिए कैसे हैंडल करें। तो यहाँ पे एक आउटर फॉर लूप है जो चलेगा 1 से 2 तक, और इनर फॉर लूप है वो चलेगा 1 से 3 तक, और उसकी वैल्यूज प्रिंट होगी। तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है इसका, आप भी गेस कर सकते हो। तो आउटर फॉर लूप तो पहले एग्जीक्यूट हुआ, उसमें 1 वैल्यू आया, उसके बाद इनर फॉर लूप एग्जीक्यूट हुआ 1 2 3 टाइम्स, देन आउटर फॉर लूप आई की वैल्यू हुई 2, देन इनर फॉर लूप फिर से 3 टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ, देन आई की वैल्यू हुई 3, देन जो आउटर फॉर लूप है वो टर्मिनेट हो गया और प्रोग्राम एंड हो गया। इनर फॉर लूप 3 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा और आउटर फॉर लूप 2 टाइम। स्टेटमेंट ये 1 से 2 है और ये 1 से 3 तक, 1 2 3 और होने के बाद ये टर्मिनेट होगा और जाएगा आउटर फॉर लूप के पास। फिर आई की वैल्यू 2 होगी, तो आउटर 2 यहाँ पे प्रिंट हुआ, और उसके बाद इनर फॉर लूप जिसमें 1 2 एंड 3 प्रिंट हो रहे। ग्रेट। नेक्स्ट फॉर ईच लूप। तो फॉर ईच लूप क्या होता है, यहाँ पे हम फॉर लूप को एरे की तरह यूज करते हैं। देखते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए एक एरे है स्ट्रिंग का जिसमें डिफरेंट कार्स है, और उसको हमने इटरेट किया है और फॉर लूप में इसको डिस्प्ले किया है। System.out.println। देखते हैं अभी इसका आउटपुट क्या आता है। And F10 तो सब कार की जो एरे के इंडेक्स है उससे ये इटरेट हुआ और ये 0 to 3rd एरे प्रिंट हुआ, वॉल्वो, BMW, फोर्ड एंड मार्शल एज पर सीक्वेंस इंडेक्स। तो यहाँ पे जब हम फॉर ईच लूप यूज करते हैं तो आई पॉइंट करता है 0 तो इंडेक्स को, वॉल्वो को प्रिंट करेगा, इंक्रीमेंट होगा नेक्स्ट इन द स्ट्रिंग एरेज लेंथ। नेक्स्ट तो यहाँ पे हम ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट भी यूज करते हैं। चलो देखते हैं इसका यूज। एक छोटा सा प्रोग्राम है, इसमें फॉर लूप जो 0 से 10 तक चलेगा, इसमें हमने आई जब 4 आएगा तब ब्रेक लगाया है और उसके बाद आई की वैल्यू प्रिंट की है। तो चलो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। अब रन, उसका आउटपुट आ गया 0 1 2 3 और 4 आया तो ये ब्रेक हुआ और ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। अभी देखते हैं यहाँ पे कंटिन्यू होगा तो क्या होगा। ये दबाए तो ये कंटिन्यू का हिंट मुझे आया, तो हम एंटर किए तो वो ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 0 1 2 3 आया, 4 आया तो कंटिन्यू, तो वो गया नेक्स्ट इटरेशन को, मतलब 5 6 7 8 9 तक ये कंटिन्यू हुआ। तो कंटिन्यू मतलब गो टू द नेक्स्ट इटरेशन। ये फिर और लूप के नेक्स्ट जो इंक्रीमेंट होता है 4 के बाद 5 उससे कंटिन्यू करेगा। राइट। नेक्स्ट एरे, हमने एरे तो ऑलरेडी देख लिया। तो एरे के वैल्यूज कैसे हम इटरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ का मैंने एरे क्रिएट कर दिया और उसमें 0th इंडेक्स में कौन सा एलिमेंट है वो हम चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे आउटपुट आएगा बोलो फर्स्ट एलिमेंट एरे इंडेक्स स्टार्ट विद 0। देन फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 4 डाल दिया तो क्या आएगा माज़दा। देखते हैं यहाँ पे हमें आएगा एक्सेप्शन। क्यों? यहाँ पे मैसेज भी उन्होंने दिया है इंडेक्स 4 आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ 4। यहाँ पे एरे के इंडेक्स में एरे में 4 ही एलिमेंट है तो रोज शुरू हो जाते हैं 0 to 3 से और हमने 4th इंडेक्स का एलिमेंट इसलिए किया है तो इसमें नहीं है तो इसमें एक्सेप्शन आ गया एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। देन एरे 3 अभी क्या आएगा आउटपुट the last element of the array. Got it? Very easy. Next. Multi-dimensional array like 2D array और multi-dimensional array हम कैसे इटरेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक एरे लेता हूँ ये मल्टी डायमेंशनल है तो यहाँ पे हम इंडेक्स की पोजीशन 2 देख सकते हैं और यहाँ पे ये एरे है यहाँ पे ये वाला फर्स्ट रो और ये वाला सेकेंड रो लाइक दैट। अभी यहाँ पे हमने एक एलिमेंट प्रिंट किया है तो बता सकते हैं कौन सा एलिमेंट प्रिंट होगा। यहाँ पे आउटपुट आ गया 7th। तो एरे 0 से स्टार्ट होता है तो ये 0th रो ये फर्स्ट रो का सेकेंड इंडेक्स 0 मतलब 5th 1 and 2 7th प्रिंट हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे हमने लिख दिया कि माय नंबर 1 2 इज इक्वल टू 8। अभी क्या आउटपुट आएगा सेम एलिमेंट को हमने ओवर रिटर्न कर दिया सो 7 की जगह 8 ओवर रिटर्न हो गया यहाँ पे आउटपुट आ गया 0 and 2nd। क्या आउटपुट आएगा मुझे तो लगता है 3rd आएगा की वैल्यू आ गया 0 0। आउटपुट क्या आएगा आउटपुट आ गया 1 राइट ग्रेट। तो इस तरह से हम 2 डायमेंशनल एरे के साथ ऑपरेशंस कर सकते हैं। अभी 2 डायमेंशनल एरे हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं देखते हैं। तो यहाँ पे टू डायमेंशनल एरे लिया है माई नंबर्स और उसमें दो फॉर लूप यूज किए हैं, और वो कब तक चलेंगे जब तक ये एरे की लेंथ है, तब तक जब तक एरे में एलिमेंट है। माई नंबर्स मतलब एक पूरा एरे जिसमें दो रोज है, और माई नंबर्स आए मतलब जिसमें जितने एलिमेंट्स हैं तब तक वो चलेगा। देखते हैं आउटपुट क्या आता है। सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाने चाहिए 1 to 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। ग्रेट, समझ में आ गया आपको। तो पहले क्या करेगा वो जो आउटर फॉर लूप है वो एग्जीक्यूट होगा जब तक दो रोज है, और इनर फॉर लूप जो हर एक रोज में जो एलिमेंट है वो प्रिंट करेगा। पहले 0 0 मतलब 1 0 1 0 2 0 3 उसके बाद 1 0 1 1 and 1 2 उसके बाद टर्मिनेट हो जाएगा। ग्रेट, देन मेथड्स और फंक्शंस। हाउ टू राइट फंक्शंस इन जावा, तो देखते हैं यहाँ पे हमने एक फंक्शन लिखी है माय मेथड। तो यहाँ पे को मेन के साथ लिखना है, तो मैं ये डिलीट कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे मेरा मेन है और यहाँ से मैंने वो माय मेथड कॉल की है। जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। तो ये मेथड स्टैटिक है, तो इसमें मैंने एक मैसेज प्रिंट किया है आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड। देखते हैं वही आउटपुट आता है क्या। यस, ग्रेट। तो यहाँ पे मेन एग्जीक्यूट हुआ और उसने वो मेथड कॉल कर दी, कंट्रोल हो गया और उसमें जो मैसेज है वो प्रिंट हो गया। राइट, नेक्स्ट अभी मैंने ये मेथड 2-3 बार कॉल कर दिया, तो क्या होगा? वो मैसेज भी 3 टाइम एग्जीक्यूट हुआ। क्यों? ये माय मेथड कॉल हुई, उस मेथड में गए, ये वाला मैसेज प्रिंट हुआ, सेकेंड टाइम भी सेम, थर्ड टाइम भी सेम। राइट, ग्रेट। नेक्स्ट हाउ टू पास द पैरामीटर्स इन द मेन मेथड, देखते हैं। तो यहाँ पे माय मेथड में हमने फर्स्ट नेम पास कर दिया है, ये फर्स्ट नेम रीड करेगा और फर्स्ट नेम यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद सरनेम कॉमन। यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए लियाम रेसनेस जेनी अंजना, ऐसे 3 आउटपुट आने चाहिए। देखते हैं क्या आते हैं। ग्रेट, माय मेथड में हमने फर्स्ट नेम पास कर दिया तो वो प्रिंट हुआ, आगे का एज इट इज जेनी रेफनेस अंजा रेफनेस। ग्रेट, नेक्स्ट तो हम मल्टीपल पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेम के साथ हमने एज भी पास कर दिया, देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। तो हर एक का नाम के साथ एज भी प्रिंट हुआ 5, 8 and 31, क्योंकि हमने 2 पैरामीटर पास किए हैं, फर्स्ट नेम एंड एज। ग्रेट भी हम मेथड के साथ कुछ वैल्यू भी रिटर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने माया मेथड को 3 पास किया तो यहाँ पे x में आ गया 3, तो 5 + 3 8 हो गया और वो रिटर्न हो गया। तो यहाँ पे प्रिंट होगा माया मेथड का जो रिटर्न वाला इंटीजर वैल्यू है 8, वो प्रिंट हो जाना चाहिए। देखते हैं अभी इसमें हमने 7 ऐड कर दिया तो क्या होगा 7 + 3। तो यहाँ पे हमने 7 पास कर दिया क्या होगा 7 + 7 how much 14। ग्रेट। तो सेम प्रोग्राम इसमें हम x और y की एडिशन कर रहे हैं तो 5 + 3 होगा और उसकी वैल्यू रिटर्न होगी 8। ग्रेट। और हमने उस मेथड को एसओपी में डाल दिया है system.out.println, इसलिए आउटपुट आ रहा है। तो हम हटाएंगे आउटपुट नहीं आएगा। देखते हैं। अब देखो मैंने रन किया आउटपुट कुछ भी नहीं आया। ऑपरेशन हो गया उसने वैल्यू भी रिटर्न की। तो हमको कैच करना होगा। एसओपी में डाल सकते हैं या एक दूसरा वेरिएबल ले लिया मैंने z, इसमें स्पेस चाहिए और सिस्टम कैपिटल होता है यस, राइट। अभी आउटपुट आएगा। ग्रेट। Then if else तो ऑलरेडी हमने देख लिया है। तो यहाँ पे एक चेक मेथड नाम का मेथड है, इसमें एज हम पास करते हैं और जब 18 से लेस होगा तो एक्सेस डिनाइड, 18 से ज़्यादा होगा तो एक्सेस ग्रांटेड। तो यहाँ पे हमने वो मेथड कॉल की है और वो स्टैटिक है तो डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं और उसमें 20 पास किया है। ग्रेट। एक्सेस ग्रांटेड बिकॉज एज 20 है। अभी 18 होगा तो क्या होगा एक्सेस ग्रांटेड, एक्सेस denied, access granted, you are old enough, 18 या 18 से ज़्यादा होगा तो access granted है। Great, then overloading। अभी overloading क्या होता है वो example के एग्जाम्पल लेते हैं, इससे हम देखेंगे। देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने दो मेथड्स बनाए हैं, प्लस मेथड इंट और प्लस मेथड डबल। इसमें हम दो इंटीजर के एडिशन कर रहे हैं, जो इनपुट है उस मेथड को, और यहाँ पे दो डबल के एडिशन किए हैं। तो यहाँ पे हमने प्लस मेथड इंट कॉल की है, तो यहाँ पे एडिशन होगी और उसका रिजल्ट होगा -1 में। देन प्लस मेथड डबल, उसका भी एडिशन होगा इस मेथड में और उसका आउटपुट आएगा -2 में। देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो देखिए यहाँ पे आउटपुट आ गया 8 + 5 13 एंड 4.3 + 6.26 10.559। ग्रेट। तो यहाँ पे एडिशन ही करना है बट अलग अलग डेटा टाइप है, तो इसलिए हमें दो मेथड्स लिखने पड़े, राइट। तो यहाँ पे मेथड के नाम भी अलग है, बट हम ऐसा कर सकते हैं क्या, सेम नेम एंड सेम ऑपरेशन। तो यहाँ पे देखिए प्लस मेथड दोनों भी प्लस मेथड है, सिर्फ इसमें डेटा टाइप अलग है। यहाँ पे इंटीजर है, यहाँ पे डबल है। यहाँ पे कॉलिंग करते समय भी सेम नाम यूज किया है, सिर्फ पैरामीटर इंटीजर की डबल ऐड किया है। देखते हैं कुछ सिंटैक्स एरर आता है या ये एग्जीक्यूट होता है। सेम आउटपुट आ गया, ग्रेट। इसको बोलते हैं ओवरलोडिंग। ओवरलोडेड मेथड, ग्रेट। ओवरलोडिंग मीन्स व्हाट? Method having same name, same signature, but number of parameters or parameter data type is different. तो आज को इतने तक ही। हम अभी वीडियो स्टॉप करेंगे। मैं आशा है कि आपको हमने जो हैंड्स ऑन प्रोग्रामिंग किया वो समझ में आया होगा। कुछ डाउट्स है, डिफ़िकल्टीज है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।